जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक आज मैंने कर दिया। मेरा जिंदगी में ऐसा मिस्टेक मैंने इससे पहले कभी नहीं किया। इतना बुरा लग रहा है कि मैं होते हुए मतलब मैं खुद ऐसे गलती कर बैठूंगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये जो तीनों अंडा है ये ब्लू एंड गोल्ड मकाओ का अंडा है, और सबसे बड़ी बात जो है ये तीन अंडा मतलब इसका अंदर दो पूरा के पूरा फर्टाइल है। मैं खुद देखा और तभी से मन बहुत ख़राब हो गया। पूरा स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। ये जो अंडा है हो जाएगा शायद लाल का छीटा है ऊपर के साइड में, तो इसको मैंने छोड़ ही दिया, इसको छोड़िए। बाकी का जो दो है ये दोनों पूरा के पूरा एकदम देखो, ये देखो ये जो अंडा है पूरा ब्लड आ गया है और मतलब सब कुछ बन गया है। 15 दिन से ज़्यादा हो रहा है शायद इस अंडे का एज। और उसी के साथ और एक जो अंडा है ये जो है ये भी पूरा के मतलब इसका अंदर पूरा बच्चा आ चुका है, एकदम क्लियर साफ दिख रहा है। और पहले जब देखा था तो तभी एकदम क्या बताऊँ वहाँ ऐसे पल्पिट हो रहा था, अभी भी शायद है पता नहीं। और मेरे मतलब मेरे हाथों से इतना बड़ा मिस्टेक हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ, मेरा नया फार्म बन रहा था तो तभी फंड का बहुत ज़रूरत था। इसी के लिए आप में से बहुत सारे लोग हमको बहुत सपोर्ट किया मतलब इतना सपोर्ट के खुद फैमिली का लोग भी नहीं करेगा। जब तक वो पूरा फार्म रेडी नहीं हो जाता मतलब आप लोग यहाँ आएंगे एंजॉय करेंगे तभी जाके हमको भी शांति मिलेगा कि आप लोग उतना सपोर्ट किया था और मैंने ये बना पाया और एंड में हम सब मिलके एक साथ मिलके यहाँ टाइम स्पेंड किया और एंजॉय किया तभी जाके हमको शांति मिलेगा। तो उनमें से एक दादा अरिजीत दादा, बारिश का मौसम शुरू हो गया है, फार्म बनने में अभी भी मतलब 2-3 महीना लग जाएगा। और अरिजीत दादा ने भी बहुत सुंदर सा एक फार्म बना लिया और दादा को मैंने खुद बुलाया कि दादा आ जाइए, क्योंकि मेरा जो ब्लू एंड गोल्ड मकाओ का जो पेयर था जो एक बार अंडा ले की थी पहले ऊपर था वहाँ मतलब वहाँ से घर खाली करना पड़ा, उन लोगों को नीचे ले आके यहाँ शिफ्ट कराना पड़ा था। तो यहाँ आने के बाद 3-4 महीना ऐसे हो गया था, मेड भी हो रहा था, तो मैंने सोचा और यहाँ का एकोमोडेशन बाद का हिसाब से स्पेस भी कम हो रहा था, मतलब मैंने सोचा कि दादा के पास रहेगा। और मतलब देखिए मतलब तभी तो वो बहुत सपोर्ट किया, मेरा भी फर्ज बनता है। मैंने सोचा कि अभी दे देंगे बाद में मैं और भी बार्ड लेके चलाऊंगा वगैरह वगैरह, तो ये सोच के दादा को मैंने बुलाया। कल आया था दादा, तो दादा मतलब मैंने खुद अपने हाथों से मैंने बहुत बार चेक किया और ये लोग इतना ज़्यादा एग्रेसिव रहते थे, इतना ज़्यादा एग्रेशन में थे कि नेस्ट बॉक्स चेक करना इम्पॉसिबल है। ऊपर देखिए यहाँ मैंने दो बॉक्स, यहाँ मैंने ऊपर ऐसे एक बढ़िया सा ऊंट का नेस्ट बॉक्स भी लगा के रखा था और ये ऐसे एक ड्रम, पहले ऊपर जो था ऐसे एक ड्रम लगा दिया था, तो इस ड्रम का अंदर वो लोग जाते थे ठीक है, और कभी कभी अंदर रहते थे कभी कभी बाहर। 3 दिन पहले भी चेक किया संजय ने मतलब वो तो चेक करना बहुत मुश्किल है ऐसे करके देखना। तो कल दादा को बुलाया, दादा आया, बाट को संजय ने पकड़ा, मैंने संजय को बोला कि संजय एक बार चेक कर लेना। संजय बाट को पकड़ने के बाद थोड़ा सा केज में दे दिया, ट्रैवल केज में, और ये जो नेस्टिंग मटेरियल हम लोगों ने दिया था ना वो काट के कैसे बना दिया देखिए। अंकल जी इसको उतारिए, तो हाँ ये जो नेस्टिंग मटेरियल हम लोगों ने दिया था ये तो मतलब ऐसे ऊंट का छिलका रहता है और ये एकदम काट काट के ना एकदम भूसी बना दिया देखो ठीक है ना। तो संजय पकड़ने के बाद मतलब वो तो मकाओ उसके पकड़ने के टाइम ना थोड़ा सा इधर उधर हुआ और अंडा नीचे चला गया ऐसे करके। संजय ने ऐसे फ्लैश लाइट ऑन करके देखा कि मतलब तीनों अंडा मतलब कैसे नहीं दिखा वो भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने भी खुद एक बार देखा वो ऐसे करके नीचे ऐसे करके ना उसका ऊपर शायद ऐसे हो गया था। तो मैंने हम लोगों ने उतने अच्छे तरीके से भी मैंने हम लोगों ने चेक नहीं किया, मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी फिर से दोबारा अंडा लेकर देगी और इतना सारा लोग आता है विजिटर्स विजिट करने के लिए, तो मैंने सोचा था कि और भी टाइम लेगा। लेकिन आज सुबह जब पिजन्स को छोड़ने के लिए आए थे गौतम बनर्जी सर जी, हम लोगों का नया बर्ड फार्म के लिए बहुत सारा पिजन्स भेजे हैं, तो उस पिजन को मतलब एक केज खाली हो गया था, तो मैंने सोचा कि इस केज का अंदर कुछ दिन के लिए रख देंगे 10-12 दिन 15 दिन, उसके बाद नया फार्म पर शिफ्ट हो जाएगा। जब इस ड्राम को नीचे उतारा तभी अंकल जी ने कहा कि मतलब ऐसे नीचे उतर दिया, हम लोग यहाँ सारे पिजन्स को छोड़ रहे थे, तभी अंकल जी ने बोला कि इसके अंदर अंडा है पूरा के पूरा फर्टाइल, मतलब बच्चा भी आ चुका है। उसके बाद क्या बताऊँ, इतना इतना बुरा लग रहा था
तो मैंने सोचा दादा को, मैं दादा कह रहा था कि दादा आप पहले चेक कर लो, और अरिजीत दा बोल रहा था कि पहले आप चेक कर लो दीपंकर दा, अगर नहीं तो बाद में ले लेंगे या दूसरा कोई लेंगे, आपका जब सुविधा होगा आप हमको दे दीजिएगा। तो मैंने नहीं माना, मैंने कहा, और एक प्रेशर सा था सर का ऊपर के दादा ने इतना हेल्प किया, और मैंने सोचा कि यहाँ अभी नहीं होगा, इतना लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, डिस्टर्ब होता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो यहाँ ये मतलब रख के कोई फायदा नहीं है, दादा के पास रहेगा तो वहाँ शायद कुछ ब्लीडिंग वगैरह होगा तो दादा को भी अच्छा लगेगा, तो इसी के लिए मैंने दे दिया। तो उसके बाद दादा को बोलूँगा या नहीं बोलूँगा ये सोच रहा था, उसी वक्त एक बार व्हाट्सएप में वीडियो भेजा कि दादा देखो ये अंडा है, मैं आपके पास भेजता हूँ ऐसे करके, और दादा ने उल्टा बोला, अरे दादा मैं बर्ड्स अभी भेजता हूँ तुम्हारे पास। थैंक यू अरिजीत दा, मतलब क्या बताऊँ, मतलब थैंक यू कैसे कहूँ आपको पता नहीं, क्या ही बताऊँ, थैंक यू सो मच दादा, आपने समझा सब कुछ। वो तो दादा ने तुरंत वहाँ से गाड़ी खुद रेडी करके ठीक करके दोनों मक्काओं को वही ट्रैवल केज में डाल के भेज रहे हैं, और आधा घंटा एक घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे, तो देखते हैं वही अंडे को ले आके दे देंगे। और ज़्यादा नहीं 14-15 घंटा ऐसे ही पड़ा था, जब अंडे को फर्स्ट टाइम छुआ था तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा था, पता नहीं उसी टाइम उन सारे अंडे को ले जाके वहाँ 100 वाट का बल्ब ऐसे करके दे दिया था नॉर्मल एक टेम्परेचर रखने के लिए, और आधा घंटा एक घंटे के अंदर जब पहुंच जाएगा पता नहीं फिर से वो एक्सेप्ट तो कर लेगा, क्योंकि मकाओ बड़े बर्ड है, मैंने इससे पहले भी देखे हैं कि अंडा अगर एक बार ले कर दिया एक दो दिन के बाद भी आता है, तो मैंने देखा, पता नहीं वो जब लेके आएंगे छोड़ेंगे उससे पहले यहाँ अंडा जैसे था सब रख देंगे, ये ड्राम ये बॉक्स जहाँ था अच्छे तरीके से उसी हिसाब से वहाँ रख देंगे, और छोड़ने के बाद देखेंगे। कैसे मिस्टेक हो गया, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी ऐसे करके इतना लोगों का अंदर इतना भीड़ भाड़ में वो कर देगा, हर दिन तो बहुत सारा विजिटर आता है, देखते हैं क्या होता है। अंकल जी उठाइए, इसके साथ और कुछ नेस्टिंग मटेरियल दे देंगे अंकल जी, उसका साथ है ना, हाँ वो अंडे का साथ है, मतलब यहाँ से निकल के और मतलब थोड़ा ज़्यादा भी था और एकदम भूसी बना दिया है ना, तो मतलब देखना मुश्किल हो गया था। जब बर्ड्स अंदर था तो तब एक बार देखने के लिए कोशिश किया, तब तो कुछ नहीं दिखा, और मैंने सोचा कि शायद कुछ नहीं होगा, पता नहीं संजय का भी मिस्टेक हो गया, बर्ड्स पकड़ने के बाद वो ऐसे करके एक बार देख लिया कि नहीं है तो नहीं है, लेकिन इतना एकदम भूसी बन गया ना तो नीचे चला गया, बहुत बुरा लग रहा है, लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा मिस्टेक मेरा अपने हाथों से हो गया, बहुत बुरा लग रहा है, अगर अनफर्टाइल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलो हो गया, लेकिन फर्टाइल है उसके अंदर जान आ गया है, और भी थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए था, और भी अच्छे तरीके से देखना चाहिए था, और भी ऐसे हाथ डाल के कुछ करना चेक करना चाहिए था। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, और लाने के बाद यहाँ पहले अंडा रख देंगे, उसके बाद छोड़ेंगे, देखेंगे कि वो जाता है कि नहीं, और 15-16-17 घंटा शायद ऐसे कुछ होगा, कल शाम को लेके गया, नहीं और भी ज़्यादा होगा 20-22 घंटा, 11-12 बजे तो हम लोगों ने टेम्परेचर का नीचे रख दिया, देखते हैं क्या होता है, कमेंट्स करके बताइए आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो होगा या नहीं, कौन जाने। दादा ने फ़ोन किया कि वो गाड़ी पहुंच गया है इतना जल्दी, मैंने सोचा था आधा घंटा एक घंटा लगेगा, लेकिन 10 मिनट के अंदर पहुंच गया। दादा को ऐसे ऐसे जाने नहीं देंगे, क्योंकि मैं हम लोगों का जो ग्रीनविंग मकाव है, दादा ने इतना बड़ा मन करके इन लोगों को भेज दिया है, तो इसी केज में एक ग्रीनविंग मकाव फिलहाल अभी तो पेयर नहीं है, एक ग्रीनविंग का मेल है उसको दे देंगे, और बाद में और एक फीमेल का अरेंजमेंट करके दादा को भेजेंगे। क्या बताऊँ, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, एक मिनट रुको मैं अंडा को लेके आता हूँ। काफ़ी हीट है, हाँ ठीक है, सॉरी बाबू सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये देखो तुम लोगों का अंडा देखो, हाँ ये देखो, मैं समझ नहीं पाया, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाया, ये देखो तुम लोगों का अंडा, चलो 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 चलो, एक्चुअली ये दोनों फुल्ली टेम था, और ब्रीडिंग में आने के बाद सारे बार जैसे थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो वो वही हुआ था, दोनों बहुत समझदार है, बहुत समझता है, और अभी देखना है नेस्ट बॉक्स के अंदर जाके बैठता है कि नहीं या क्या करता है। अंकल जी आइए, सबसे पहले अंडे को यहाँ रख देंगे सेफली, सावधानी से भगवान का नाम लेके, अभी भी टेम्परेचर है, हम लोगों ने हीट पे रख दिया था, और ये दूसरा
कुछ दिख नहीं रहा है और ऊपर तो नेस्ट बॉक्स दिया हुआ है, लेकिन ये लोग तो नेस्ट बॉक्स को पसंद ही नहीं किया। ठीक है, जो है अगर कल पता चल जाता तो एकदम कॉन्फिडेंटली कह पाता कि हाँ सही है, कुछ नहीं होगा। लेकिन 16-17-18 घंटा ऐसे ही था तो मुश्किल है। और नेस्टिंग मटेरियल हम चेंज नहीं करेंगे, जो था वही दे देंगे, क्योंकि उसमें ही वो लोग समझ जाएगा कि हाँ हम लोगों का यही था तो यही सही है। और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, देखो अंडे का ऊपर तो गिर नहीं। हाँ अंकल जी, खाना रेडी कर लिया। हाँ दे दो, हाँ पेट भर के खाना दो। वॉलनट, एलमंड, एक्सोट, गुआवा, एप्पल वगैरह वगैरह पानी, हाँ फ्रेश पानी दिया ना, हाँ पानी एकदम पूरा भर के दीजिए, ठीक है ना। और ये जो ग्रीन विंग्स मकाओ है, इसको संजय लेके चला आया, ये दादा के पास जाएगा। ये भी एकदम ह्यूज साइज का है, हाँ देखिए साइज देखिए एकदम जायंट है, ह्यूज साइज का है। वो पहले जो वीडियो बनाया उसमें ऑडियो नहीं आया, मतलब हड़बड़ी में इतना एक्साइटमेंट है कि मतलब वो ऑडियो का जैक ठीक से लगाया नहीं। आ जाओ, हेलो, देखो एकदम परफेक्ट खाना है, ज़्यादा देर मत करना। और उम्मीद करता हूँ कि हाँ ये 10-15 मिनट आधा घंटे के अंदर तो यहाँ आ जाएगा और खाना खाएगा, अंडे को हैच भी कराएगा। फिलहाल 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इन लोगों को हाल पे ही छोड़ देना। एक बार अंदर जाके सारे अंडे को देख लिया, वहीं तसल्ली हो गया कि हाँ वो देख लिया, जगह को पहचान लिया, नेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी गया। और फिलहाल बाहर थोड़ा सा वेट करना है। और अरिजीत दा, आपको कैसे थैंक यू सो मच कहूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैंने दादा को बोला कि दादा ये अंडा है, क्या वहाँ भेजूँ या क्या करूँ। दादा ने कुछ नहीं कहा, गाड़ी बुक किया, बार्ड को पकड़ के छोटा सा ट्रैवल केज में डाल दिया, गाड़ी छोड़ के हमको बोल रहा है कि दीपंकर मैंने भेज दिया, जल्दी से पहुंच रहा है, तुम सारे अंडे को लेके उसको उसका केज में छोड़ दो। थैंक यू सो मच दादा। और यहाँ जो हम लोग का ग्रीन विंग मकाओ है, दादा कह रहा था नहीं अभी कुछ नहीं भेजना है, बाद में लेंगे, और एक महीना दो महीना तीन महीना वेट कर जाएंगे। तो हमको लगा कि नहीं, वो मकाओ रिटर्न आया, उन्होंने भी घर सजाया तो कुछ ना कुछ होना चाहिए वहाँ। तो ये जो ग्रीन विंग मकाओ है इसको आज भेज देंगे दादा के पास, और बहुत ही जल्दी इसके लिए सही प्यार, मतलब ब्लू एंड गोल्ड मिलेगा तो ब्लू एंड, मतलब ये जो ग्रीन विंग जा रहा है ये तो मेल है और उसके साथ एक फीमेल, ये जो आज जा रहा है ग्रीन विंग मकाओ ये तो मेल है और इसके साथ अगर ब्लू गोल्ड का फीमेल मिलेगा तो यहाँ से जो बेबी निकलेगा वो हार्ले क्वीन कहलाएगा, वो भी बहुत खूबसूरत होता है। और मतलब ब्लू गोल्ड मिल जाएगा तो ब्लू गोल्ड, नहीं तो अच्छा कोई ग्रीन विंग मकाओ का फीमेल मिल जाएगा तो वो भेज देंगे। थैंक यू सो मच दादा, आपने मतलब इतना बड़ा मन दिखाया कि हाँ ये अंडे के पास मतलब यहाँ रहना चाहिए। थैंक यू सो मच दादा। और तो चलो अभी थोड़ा सा वेट करना है और देखना है कि कब तक वो लोग जाते हैं अंदर। सब मिलकर थोड़ा सा प्रे करते हैं ऊपर वाला गॉड भगवान से कि वो लोग अंदर चले जाए, सही से हैचिंग कराए और सारे अंडे हैच होके वहाँ से नया बच्चा हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए। 45 मिनट्स, एक घंटा हो रहा है, एक घंटे के बाद फिर से एक बार चेक करने के लिए आया, चुपचाप बैठे रहो, भगवान करे अंदर चला गया होगा। हे भगवान, एक बाहर है, बाहर एक है, यहाँ ऊपर मेल मेल ऊपर बैठा है। वो देखो सारे अंडे को पीछे की तरफ लेके चला गया। वो देखो
वो देखो, नहीं 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 कुछ नहीं करेंगे यार। हाँ पहले की तरह वैसे ही एग्रेशन। वो देखो बैठ गई है फीमेल अंडे पर, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ मेल भी आ गया, मेल भी आ गया। इतना जर्नी, इतना बार पकड़ा पकड़ी, उसके बाद आधे घंटे एक घंटे के अंदर फिर से आके अंडे पे बैठ गया, ये बिल्कुल भी सोचा नहीं था। वाओ, माफ़ी चाहते हैं, आगे से ऐसे कुछ नहीं करेंगे। जब तक तुम लोग जियोगे यहीं रहोगे, यहाँ पास भी मैं नहीं आऊँगा। अगर बच्चा होके बड़ा होके निकलेगा तो तभी सोचेंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस बार के लिए माफ़ कर दो यार। फाइनली चला गया है, अभी देखना है कि अंडा क्या होता है। बहुत ही सेफली रख दिया था, आगे पता नहीं क्या होगा। मतलब 16-17 घंटा तो ऐसे ही पड़ा था, लेकिन वो जो एकदम भूसी बन गया था उसका अंदर ही था। अंकल जी का जो कहना है कि बाबू टेम्परेचर ठीक ठाक रहेगा, नसीब करे, भगवान करे, ऊपर वाला करे कि अंडा ठीक ठाक रहे। चलो देखो, तुम्हारा सर पे हाथ लगा के गए थे और अच्छा अच्छा देख के आया, सब चला गया अंदर, सब अंडे का ऊपर बैठ रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, टाटा। हाँ और सारे सारे पिजन्स को भी तो छोड़ दिए है एकदम सही तरीके से, और संजय ने मतलब जिन जिन लोगों का आँखों में प्रॉब्लम था ड्रॉप भी दे दिया वगैरह वगैरह, सही तरीके से हम लोग कर लिया। और यहाँ जो 3 अफ्रीकन ग्रे का बेबी है, इन लोगों को आज लेके जाएंगे हैंड फीडिंग के लिए काकदीप में। एक बास्केट लेके आएंगे, इन तीनों बच्चे को वहाँ ले जाके हैंड फीडिंग करेंगे। और तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद देखिएगा उसके बगल में बेल आइकन भी अपेयर हो जाएगा, वहाँ भी दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो YouTube में हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आप लोगों का मोबाइल अकाउंट तक पहुंच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए। और ये देखो साइज देखो, हाँ हाँ इसमें लेके चले जाएंगे। पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया, ग्रिप भी आ रहा है। जाओ जाओ नहीं गिरोगे, शाबाश। चलो हाँ एकदम ह्यूज साइज का है, और हम लोगों का फार्म का जो होता है तो ये एकदम जायंट ही होता है, क्योंकि इन लोगों का जो पेरेंट्स है मतलब देखेंगे तो मैं खुद ही नज़र ना लग जाए। आराम से आराम से, सीरिंच वगैरह इतना दिन तो यहाँ पला बड़ा, अभी वहाँ जाने का टाइम हो गया है। चलो ले लिया, और हैंड फीडिंग के लिए हम लोगों का A19 है। जब तक A19 है तब तक कोई चिंता नहीं है। जब अम्फान हुआ था उस तूफान के टाइम 2 अफ्रीकन ग्रे का बेबी हुआ था, कहीं से भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद बहुत ढूंढ ढूंढ के एक दादा वहाँ से भेज दिया था कोलकाता से, वो दिन मतलब कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको भी पता होगा। तभी से A19 के ऊपर इतना भरोसा है, 10 साल पहले से A19 मतलब खिला पिला के इतना, कई 100 अफ्रीकन ग्रे मकाउस कॉकाटूस को हमने बड़ा किया। ये 21 कॉकाटूस के लिए तो ये 21 होता है, तो कॉन्फिडेंट है, भरोसा है। कहूँगा एक बार ट्राई करके आपको भी देखना चाहिए अगर आपका घर में ऐसे बेबी वार्ड है तो। संजय एक हैंड फीडिंग सिरिंच और बाकी जो चाहिए होता है, बाकी तो सब मुँह में है। संजय ये गया नहीं आज? हाँ वो पहले बाकी सब चला गया, 4 बजे के बाद एक दो ऑर्डर हो गया, तो ठीक है आज ही कर दो। कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो पाता है हम लोग कुरियर में मतलब पैरट दीपंकर स्टोर में जो ऑर्डर होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी दिन, अगर 10-11 बजे के अंदर होता है तो उसी दिन हो जाता है, लेकिन 3-4 बजे के बाद अगर होता है तो मतलब मुश्किल होता है, फिर भी शायद ले लिया। और ये देखो हम लोगों का सारे जावा एंड फिंचेस। और बहुत सारा कॉमेंट्स आ रहा है कि कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो और एक बार पैरट दीपंकर के साथ कॉन्टैक्ट करने का, हाँ यही सारे नीडल्स यहीं बाहर निकल के फेंक दो। समझे पैरट दीपंकर के साथ कोई भी बर्ड रिलेटेड मतलब उन लोगों का केयर प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइड के लिए कैसे ब्रीडिंग के लिए अगर टिप्स चाहिए होगा, अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो 9907104115 संजय रिसीव करता है, मैं भी कभी कभी करता हूँ, देख लीजिए। वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं 9907104115 नीचे यहाँ दिया हुआ है। हाँ मतलब पैरट दीपंकर का, पैरट दीपंकर यूट्यूब का संजय। चलो